देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। पहाड़ों की पीड़ा, मैदान की वेदना, सरकार और राजनीति से जुड़ी उत्तराखंड की हर रोज छोटी बड़ी खबर। श्रीलंका धमाकों से मरने वालों की संख्या 290 पहुंची, 500 से हुए ज्यादा जख्मी। कोलंबो एयरपोर्ट के पास 6 फुट लंबा पाइप बम हुआ, लगातार बढ़ रही है मौत। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद सीएम योगी पर वार, कहा रिश्ते में हम योगी आदित्यनाथ के बाप। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव, इन दोनों ही जगह उनके नामांकन पर हुआ विवाद, आज हो सकता है फैसला। बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने बाबरी मस्जिद को लेकर दिया विवादित बयान, कहा ढांचे पर चढ़कर तोड़ा देश का मिटाया कलंक, चुनाव आयोग का नोटिस जारी। आरजेडी के साथ साथ लालू यादव और परिवार के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया बागी तेज प्रताप यादव के बागी तेवर, आरजेडी कर सकता है बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, नेशन अप टू डेट में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईस्टर के मौके पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में अभी तक 290 लोगों की मौत हो गई है जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलंबो की पुलिस के मुताबिक 3 चर्च और 3 5 सितारा होटलों में ब्लास्ट हुए, सिलसिलेवार हुए धमाकों के कारण अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक विस्फोट राजधानी के 3 आलिशान होटलों और एक चर्च में हुआ है जबकि 2 अन्य धमाके कोलंबो शहर के बाहरी इलाकों में स्थित चर्च में हुए। देश की इस घटना के बाद भारत में भी शोक की लहर है, घटना को लेकर केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा मैं कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त के लगातार संपर्क में हूं, स्थिति पर करीब से नजर है, अभी तक इस घटना में किसी भी भारतीय नागरिक की मौत की खबर नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक विस्फोट राजधानी के 3 आलिशान होटलों और एक चर्च में हुआ है जबकि 2 अन्य धमाके कोलंबो शहर के बाहरी इलाकों में स्थित चर्च में हुए हैं। देश की इस घटना के बाद भारत में भी शोक की लहर है। आपको बता दें कि श्रीलंका में सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट हुए जिसमें तकरीबन 290 लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भोपाल सीट से उम्मीदवार और अपने बयान को लेकर विवादों में घिरी साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर अप्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है, ये नोटिस उनके आपत्तिजनक बयान को लेकर जारी हुआ है। बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने प्रज्ञा को नोटिस थमा दिया है। बता दें हाल ही में साध्वी ने 26/11 मुंबई हमले के जिक्र के दौरान एटीएस चीफ हेमंत करकरे पर भी विवादित बयान दी थी जिस पर विरोधी दलों के गुस्सा जताने के बाद प्रज्ञा ने माफी मांगा, अपने बयान को वापस लिया था। साध्वी प्रज्ञा ने ताजा बयान में कहा कि वो न सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ी थी बल्कि उसे गिराने में भी मदद की थी। मैं बिल्कुल गई थी, ये मैंने कल भी कहा है, मैं उससे बिल्कुल ही पलट रही क्योंकि मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी, बिल्कुल पूर्ण आत्मबल आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। ये मेरे राम जी हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरी श्रद्धा है, मेरी भक्ति है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, इसलिए भव्य मंदिर बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विवादित ढांचा गिराने में भी मैं गई थी, काय का विवादित ढांचा, हमारे राम जी का मंदिर है, भव्य मंदिर बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे उसका। लेकिन चुनाव आयोग का कह रहा है कि धर्म और जाति के नाम, मैंने कह दिया अपना विषय,
अब आप बताइए, जिसको जो कहना है कहे, मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ, बताइए। दीदी बीजेपी कम से कम इस पे स्पष्ट तौर पर नहीं बोलती है, हमेशा उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल किया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ से जो भी निर्णय आएगा हमको सर्वमान्य। आप कह रही है कि नहीं, हम तो हम भव्य मंदिर बनाने जाएंगे। खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से है, जहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर नीरज वोरा ने कहा कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, चुनाव के बाद ऐसे लोगों को इलाज करूंगा। इतना ही नहीं, वोरा ने कहा, हमने हर तरह के लोगों का इलाज किया है, अब हम चुनाव के बाद भारत माता की जय ना बोलने वालों का इलाज करेंगे। तो आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद नेता चाहे इलेक्शन कमीशन कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, खासतौर से उस तरीके के बयान जिससे लोग दुखी हो और जो सीधे तौर पे इलेक्शन कमीशन के नियमों का उल्लंघन करता है। नेता जो हैं वो धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि पीछे राजनाथ सिंह का एक बैनर लगा हुआ है, उसके बाद जो वोरा नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद में जो लोग भारत माता नहीं बोलते उनका भी मैं इलाज करूंगा। इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायूस करता है लोकतंत्र को, और जो लोग खासतौर से आहत होते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे बयान की ज़रूरत क्या है। तो लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन की कड़ाई के बाद भी लोग जो नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हो छुटभैये नेता हो, तमाम नेता बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, और उसका ही कारण है कि मायावती और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी 72 घंटे का बैन लगा था सिर्फ बयानबाजी को लेके, उसके बाद फिर से ये बयान आया है बोरा का। बिजनौर के अफजलगढ़ में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। बता दें कि सिद्धू मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के लिए जनता से वोट की अपील करने आए थे। सभा के दौरान सिद्धू ने जनसभा में मौजूद जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात कराई। राहुल गांधी से फोन पर बात कराने के बाद सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया। मोदी की फिल्म आ रही है फेकू नंबर वन, झूठा नंबर वन, इस तरीके का विवादित बयान नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करके लोगों की खूब ताली बटोरी। उन्होंने कहा कि मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना और मोदी से सच बुलवाना असंभव बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि काहे का तू चौकीदार, पूरे देश में है हाहाकार। सिद्धू ने पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की। इस दौरान सिद्धू ने रैली में लोगों से पूरे ब्रह्मांड में शोर है चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाए। गौरतलब है कि कांग्रेस से पहले नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं और राज्यसभा मेंबर भी बनाए गए। असम के तिनसुकिया लाल बाग रोड पर भीषण आग लगने के कारण कई दुकानें और कई घर जलकर खाक हो गए। आग बुझाने वाली गाड़ियां घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए देरी से पहुंची, हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। तो वहीं आग बुझाने वाली गाड़ियां देर से आने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। एक्चुअल वही 5:30 बजे अगला गैस लीक का हल्ला हुआ मोहल्ला में, उस वजह से पूरा भगदड़ माहौल हो गया मोहल्ला में। उसके बाद तकरीबन गैस लीक होते होते 6 बजे तक कोई गैस कंपनी का आदमी गैस को बंद नहीं किया और पूरा यहां से लेके रामेश्वर स्टील तक नाला में आग लग गया, और जिसके वजह से धीरे धीरे गेट पर आग लगा और गेट से पूरा दुकान वगैरह, पहला एक होटल में पहले लगा, उसके बाद सारा धीरे धीरे दुकान में
और फायर ब्रिगेड तकरीबन डेढ़ घंटा बाद आया, 10 मिनट पानी डाला और पानी डालने के बाद फिर पानी खत्म हुआ और ख़त्म होने के बाद फिर 40 मिनट बाद तब पूरा एरिया जल के खत्म हो गया। खबर झारखंड के धनबाद से है, जहां पानी की समस्या कहीं इस चुनाव में बीजेपी के धनबाद लोकसभा सीट हार का कारण न बन जाए। दरअसल झारिया के आसपास बसे हजारों लोग प्रचंड गर्मी में प्यास बुझाने के लिए मौत के मुहाने का सफर तय कर रहे हैं। बता दें, पिछले कई सालों से कोलियारी की अंडरग्राउंड माइन से रिश्ता हुआ पानी ही इनका प्यास बुझा रहा है, तो कहीं अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए निगम से खरीद को विवश है। वहीं लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पानी की काफ़ी परेशानी होती है, जिसके लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़ता है। तो तस्वीर में आप सिर्फ साफ तौर पे देख सकते हैं कि महिला किस तरीके से बेबस है, कई किलोमीटर पानी जाती हैं लेने के लिए, फिर उनको पानी मिल पाता है। पानी की कितने दिनों से तकलीफ? अच्छा, कितने दिनों से तकलीफ है? कहाँ से पानी लाने जाते हैं आप लोग? पानी नहीं मिलने पर थाना मोड़ जाते हैं, भालगढ़ा जाते हैं बच्चा लोग पानी के लिए। सरकार अभी तक कोई व्यवस्था आप लोग के लिए नहीं? नल यहाँ पे कितनी दूरी पे है? नल तो इस जगह अभी एक साल के बाद खुली है। अच्छा, के पास। ये कौन सा जगह है आप जहाँ अभी खड़े हैं? सब आकर पानी भर रहा है, दिक्कत है। यहाँ पर बहुत बोल रहा है खतरा मत ले जाओ यहाँ से पानी, लेकिन पानी का जरूरत है, फिर भी लोग आता है पानी भरने, पानी भर के जाता है जाते हैं, इसलिए कि पानी बहुत दिक्कत है पीने के लिए। नहाने धोने के लिए तो कोई भी रह ही सकता है एक दिन दो दिन, लेकिन बिना पिए तो रह नहीं सकते इसलिए पीने का पानी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिद्धार्थनगर जनपद के शोहतरगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के उदय राजगंज में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदम्बिका पाल ने एक चौपाल का आयोजन किया है, जिसमें स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ थी। चौपाल को संबोधित करते हुए पाल ने कहा कि देश और प्रदेश का जो भी विकास हुआ है वो बीजेपी के ही शासनकाल में हुआ और सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में ग्रामीणों का को बताया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी राज में किसानों का ऋण माफ हुआ है, 1,50,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा है। हमारी सरकार है और जब सरकार कार्यक्रम करती है, चाहे उसमें 86 लाख किसानों का, जिसमें खुद सिद्धार्थनगर के किसानों का पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 1 लाख का ऋण मोचन किया है, तो उसका उन किसानों को अगर हम प्रमाण पत्र बांटेंगे 1 लाख रुपए का, तो हमारे विधायकों की फोटो, चाहे वो रामधनी राही जी हो, चौधरी अमर सिंह जी हो, राजविंदर सिंह हो, जय प्रताप सिंह जी हो या सतीश द्विवेदी जी, आएगी आएगी। अगर हम आवास देंगे, शौचालय देंगे, सौभाग्य बिजली का कनेक्शन देंगे, सैकड़ों कैंप में आप गवाह हैं कि अगर हमने 10-10, 12-12 हज़ार का मुफ्त 1.5 लाख गैस का चूल्हा बांटा है। फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। हर खबर का मतलब ब्रेक, आवाज तो सब उठाते हैं लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ग्रहों की चाल से रहें सावधान, यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा
आपका समय चक्र। राशि फल में देखिए ग्रह चार, सिर्फ नेशन लाइफ पर। आप देख रहे हैं नेशन लाइफ, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से एक व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि अपने यहां शादी के निमंत्रण कार्ड में मोदी को वोट देकर दोबारा प्रधानमंत्री बनने की अपील की है। दरअसल चांदपार गांव का रहने वाला श्री कृष्ण पटेल पेशे से किसान है और उनके लड़के की शादी 6 मई को होनी है। उन्होंने मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर अपने लड़के के शादी के कार्ड में ऊपर मोदी का फोटो बनाया और लिखवा दिया कि विनम्र निवेदन है, 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को वोट देकर उनके विजय रथ को आगे बढ़ाएं, यही आपका बहुमूल्य उपहार और आशीर्वाद होगा। हमारे मन में भी विचार आया कि देश के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है ना, और इसलिए हमको ये हुआ कि फिर उनको इस बार भी प्रधानमंत्री पद के लिए वोट दिया जाए। तो कब शादी आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ 4 मई और 6 मई, 4 को तिलक है और 6 को शादी है। क्या मतलब मोदी से आप प्रभावित? हाँ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के बोधीपुर गांव के पास दो स्कूली वैन आपस में टकरा गई। तेज रफ्तार वैन के आपस में टकराने से एक की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की हालत नाजुक देखी जा रही है। डॉक्टरों ने कानपुर के लिए रेफर किया, जहां दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। दो वैन चालकों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों स्कूल वैन बच्चों को लेने के लिए जा रही थी। एक वैन में 2 बच्चे सवार थे, दूसरी वैन बच्चों को लेने जा रही थी, तभी दोनों की आमने सामने तेज भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ड्राइवरों की मौत हो गई है। गनीमत रही कि वैन में सवार दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। चांदपुर थाना क्षेत्र में दो स्कूली वैन की टक्कर से जिसमें बच्चे सवार थे और उसमें दो चालक की मौत हो गई। सर क्या था प्रॉब्लम? चांदपुर थाना क्षेत्र में बाबूपुरवा मोड़ पर दो स्कूलों की वैन में आमने सामने टक्कर हो गई। एक वैन में बच्चे सवार थे और एक वैन बच्चों को लेने के जा रही थी। बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिस वैन में बच्चे थे उसके ड्राइवर की मौके पर मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। दूसरी वैन के चालक को गंभीर दशा में हैलट अस्पताल भेजा गया था, वहाँ पर उसकी भी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 2 सीट से ज्यादा नहीं मिल पाएंगी। 78 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन जीत रहा है। हम लोगों ने कांग्रेस के लिए 2 सीट राजनीतिक शिष्टाचार में छोड़ी है, ये समाजवादियों का राजनीतिक शिष्टाचार है। बीजेपी के लोग बौखला गए, बौखलाहट में इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं जिस भाषा से देश में समाज में नफरत पैदा और समाज में देश में नफरत पैदा करके बीजेपी वोट लेना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, जनता को चाहिए रोजी रोटी, जनता को चाहिए नौकरी नौजवानों को, किसानों को चाहिए उनकी अपनी फसलों का मूल्य, जो देने में 5 साल में बीजेपी नहीं कर पाई। मोदी जी ने जो कहा था उसके जस्ट विपरीत काम किया, चाहे महंगाई की बात हो, महंगाई घटाने के बाद 90 दिन के अंदर किया, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, मिट्टी के तेल का दाम, रसोई गैस का दाम, बिजली का दाम, पढ़ाई का दाम, सिंचाई का दाम बढ़ा हुआ है और महंगाई पर ध्यान नहीं है बीजेपी का, रोजगार पर ध्यान नहीं है।
पूरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की चौपट हो गई, जिससे जनता आक्रोशित है और इसी वजह से बीजेपी पराजय की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। 6 अप्रैल को स्टेट बैंक सिराथू से चोरी हुए 3,50,000 रुपए का खुलासा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले रॉविन और उसके 2 भाइयों को पुलिस ने सर्विलांस के जरिए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों की तलाशी लेने पर 25,000 रुपये के साथ 7 किलो मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। सीओ सिराथू के अनुसार ये 3 भाइयों का अपना गिरोह है जो चलते फिरते चोरियों को अंजाम दिया करते हैं। दिल्ली से वाराणसी जा रहे तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि 2 दर्जनों से अधिक लोग घायल हैं। इनमें से 7 की हालत बेहद गंभीर है। घायलों में स्पेन निवासी मार्गरिटा और जोस मिगोल शामिल है। मैनपुरी के करहल थाना के डॉकी क्षेत्र में कल देर रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार बस ओवरटेक करने के प्रयास में ट्रक से जाकर भिड़ गई। भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हैं। पुलिस ने घायलों को बस की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। इनमें से कुछ प्राथमिक उपचार के बाद चले गए। गंभीर रूप से घायलों को सफाई पीजीआई भेजा गया है। साफ तौर पे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भिड़ंत और बस की रफ्तार क्या रही हो गई कि रही होगी कि परखच्चे उड़ गए और इसमें 7 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। दून महिला अस्पताल में आए दिन कुछ ना कुछ होता है। जहां हाल ही में बच्चा अदला बदली का मामला सामने आया है तो वहीं फिर मामले में एक नया मोड़ आ गया। दरअसल डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में पूरा मामला स्पष्ट हो गया था कि आरती और उमेश की बेटी है तो वहीं अनिल और आरती का बेटा है, लेकिन उमेश है कि इस डीएनए टेस्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उमेश का कहना है कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस बात से उन्हें अवगत नहीं कराया, जिसके बाद बाल आयोग के अध्यक्ष ने इस मामले में उमेश से मुलाकात की, जिसके चलते उषा नेगी ने बेटी के पिता से इस रिपोर्ट का लेकर बच्ची को भरोसा दिलाया। साथ ही कहा, अगर आपको इस डीएनए पर भरोसा नहीं है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं सीएमएस ने इस मामले को लेकर कहा कि डीएनए टेस्ट नेक्युलियर बताया है कि किसका बच्चा किसका है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों दंपतियों के पास बच्चे हैं, फिर भी अगर आशंका है तो हम लोगों ने इनको स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर आपके पास में अभी भी आप आशंका जताए हुए हैं तो अच्छा है कि आप कोर्ट में जाकर चैलेंज करें, वो ज़्यादा आपके लिए एक रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। और बच्ची की पूरी तरीके से देखभाल हो, अगर बच्ची की देखभाल में लापरवाही होगी तो हम बच्ची को लेकर और शिशु निकेतन में दे देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि बच्ची सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। शिकायत यही है कि हमारे सामने जब डीएनए आया तो मुझे बताया लोग नहीं, पेपर में दिया गया, मैंने पेपर में पढ़ के मुझे मालूम चला कि डीएनए आ गया, फिर अभी मुझे बोला, अभी आज तक भी कोई बोल नहीं। बेटी को तो हम कभी स्वीकार रखा था, मैंने डीएनए कभी सोच लिया था कि जब डीएनए आएगा तभी बच्ची को दूंगा नहीं, खैर डीएनए हमारे तो इंसाफ में आ जाएगा तो बच्ची को दूंगा नहीं, जो भी होगा स्टाफ। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।